भाई ये है नोएडा वाला हिमाचल है मंडी। नोएडा वाले हिमाचल घूमे, नोएडा के पहाड़ है। हिमाचल जाने की जरूरत नहीं है, जब भी ठंड का महसूस लेनी हो नोएडा आओ, कोहरे में घूमो, साइडों में पहाड़ का भी आनंद मिले। ओम बिस्ट्रो 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 बिस्ट्रो। क्या तारीख है आज? 27 दिसंबर। ये हाल है यमुना एक्सप्रेस वे के। अब लगा ले 10-15 दिन ऐसी ठंड पड़ेगी मंटी, 10-15 दिन ऐसी ठंड पड़ेगी अब। और लेकिन आज आज सर्दी का पहला फोग है, देख कितना फोग है। देखिए 10 मीटर तक, 10 मीटर ज्यादा ही कह रहा हूँ मैं, 5 मीटर तक भी कुछ नहीं दिख रहा, इतना पूरा फोग हो रहा है भाई। रुके हम चाय पीने यमुना एक्सप्रेस वे पे। मंटी मंटी सीधा आगे भाई, कौन कह देगा ढाबा, देख लो होटल ही है पूरा। यमुना एक्सप्रेस हाईवे। ओ बंटी बंटी, ओ कुत्ते भाई, ठंड के मौसम में चाय का स्वाद अलग है। देख कितना कोहरा हो रहा है। ये भाई एक भाई की गाड़ी में दिक्कत आ गई थी, दिक्कत क्या आ गई थी, टायर फूट गया था इसका। इसके बाद पाना नहीं था, भाई से पाना दिया है मैंने कहा चल हवा भी भर ले, इंसुलेटर भी पड़ा अपने पास, तो देखो वरना फंसे ही रहते हैं यहाँ पे। टोल कितना रहेगा? 150। क्या चक्कर बंटी, क्यों होया? एक किलोमीटर से जाना पड़ेगा यार पैदल पैदल। टांगों की मालिश हो जाएगी? नहीं ना बाबू, नहीं तो ही ना, कुछ देखेंगे जुगाड़ ना, ना कोई ना अम्मा कोई बात। ये सड़क पहले सब मतलब कोठे बूटे लगे हम, ये कुछ नहीं कैफे को है, राइट ऑन द बाइक साइकिल कैफे को पे है भाभी के लिए पंची पेठा ध्यान दे। अरे भाई एंट्री है, टिकट है पहले दे मंडी, टिकट पता करो भाई, एक जना जाके। हाँ तो उनकी भी शेड बना दिया एंट्री, पहले भी था, पहले कवर नहीं था, पहले खुला हुआ था, यहाँ पे मतलब रेलिंग सी लग रही थी भाई। देखना व्यू देखो क्या मस्त व्यू है अभी, तो और देखना मगर पब्लिक देखो कितनी, और बहुत पब्लिक देख लो भाई, थोड़ी सी झलक देख लो दूर से, बाकी अभी पास ले जाता हूँ सारी व्यू दिखाएंगे। ये देखो ये मतलब ये वाली ओल्ड एंट्री, ये ओल्ड एंट्री सीधी आती है, अब ये कर दी न्यू एंट्री ईस्ट गेट से। ये दादा चल रहे हैं अंदर, मेन एंट्री यही होगी ना, पर ईस्टर्न वाली बड़ी एंट्री, क्या लिखा है उर्दू में कुछ तो लिखा हुआ कुछ नक्शा ऐसा है मंडी है देख ले। ओ हेलो भाई, देखो एपिक भी दिखाता हूँ आपको, वाह क्या नजारा। भाई चलो चलो वहीं चलो, मल्टी पर आवा, नई बिल्डिंग बन रही है क्या, रिपेयरिंग हो रही है, रिपेयरिंग कर रहे हैं, वहां बना रहे थे भाई सामने काला ताजमहल, उसे मौका नहीं मिला, वरना यहाँ भी ब्लैक ताजमहल बनना था। है बंदा क्या ठीक है, जमना चाहिए, थोड़ी सी गंदगी मचाते हैं लोग। ये देख
एक साइड ताजमहल, ताजमहल का ये देख तू क्या व्यू है, ठीक है। अब वहीं दूसरा व्यू देख, देख रहे हो सब ऐसी गिर जाएगी रेलिंग है, रेलिंग गिर जाएगी। ये फाइनल है, चल दिए हम आजा, खुफिया रास्ता है बंटी, बंटी खुफिया रास्ता है, चल रहे हैं उस खाने, खुफिया रास्ता है पीछे वाला, फ्रंट वाले से नहीं बैक डोर से जाएंगे। ताजमहल का, ताजमहल का बैक डोर है। अब बैक डोर चलना है हमें, इससे फॉरनर से इंडियनों से, ये तो क्रिश्चियन है। ये फोटोशूट का पॉइंट है बंटी भाई, किसी को फोटोशूट कराना हो भाई यहाँ ताजमहल पे इस लोकेशन पे बात करवाओ। ये देखिए, देख हमारे इंडियनों में आग लग रही है, रंग देख इंडियन कल्चर में, चंदन है और ये देखिए, ओ बंटी देख क्या स्ट्रक्चर बना रखा है, लाइन से पेड़ है बिल्कुल सीरियल में भाई, पहले का जो स्ट्रक्चर है ना, स्ट्रक्चर देख कैसे लाइन से बनाए हुए सारे पेड़, देख देख सब एक लाइन में खड़े। ये कौन सा है, ये तो चंदन का है, ये है बॉटल ब्रश, बॉटल ब्रश भाई चंदन का देख रहा ढंग से। देखे अंग्रेज का बच्चा, हाँ दूल्हा बन रहा भाई, इधर मूवी नहीं कर रहा हो, अंग्रेज छोटे अंग्रेज, मैं बोलूँ उसको जाके बिस्ट्रो बिस्ट्रो बिस्ट्रो, ये देख कंजेड़ी, देख भाई हेलो मैम, ताज मैं 10 रुपीज का। ये बढ़िया चीज़ सबसे बढ़िया, जन्नत की अवधारणा भाई, पहुंच करके देख लियो जिसका समझ में ना आवे भाई, कितने बज रहा है टाइम देख के बता, 6:30 पक्का, 6:30 बज रहे हैं और देख लो आ रहा, देख लो एक टोल है, एक है टोल आ रहा समझ में, टोल जरा सा भी, ये हमने एक्सप्रेस वे पे भाई, हम वृंदावन पार करके जीवर टोल पे हैं, देख लो हालात क्या है, स्थिति इतनी बुरी है यहाँ पे, क्या बुरा हाल हुआ पड़ा है भाई साहब, ये तो लगा लो आप, अभी तो 6:30 बज रहे हैं, 6:30 है ना, ओए ट्रक वाले और अपने मस्ती में आ रहे हैं सर, टाइम 7:52, टोल भी ना दिख रहा है, टोल की एक लाइट भी ना दिख रही, तो गाड़ियों से पता चल रहा है ना, तो टोल ही नहीं दिख रहा। भाई अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करके जाएं, सब्सक्राइब करें भी ना, बिल्कुल ना।